का मॉडल बेदाग छवि और जनता से मिले प्यार पर लड़ेंगे चुनाव भारत ध्वज। कांग्रेस प्रत्याशी ने विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में किया जनसंपर्क, लोगों ने माला साफ पहनाकर किया स्वागत। 73,000 वोटर्स का कर्ज चुकाने के लिए की निस्वार्थ सेवा। सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मंगलवार को विधानसभा के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क किया और विकास के आधार पर लोगों से वोट देने की अपील की। इसके बाद भारद्वाज ने पत्रकार कॉलोनी स्थित कानाराम पैराडाइज में एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। यहाँ पर भारद्वाज का जमकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम में करीब 5,000 लोगों से ज्यादा की भीड़ मौजूद थी। भारद्वाज ने सभी का आभार जताया। इस दौरान भारद्वाज ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद भी पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की और अनेक विकास कार्य कराए। उन्होंने कहा कि पिछली बार मुझे 73,000 वोट मिले थे, उनका कर्ज चुकाने के लिए जो भी मेरे पास आया मैंने उसकी निस्वार्थ सेवा और मदद की। मैंने क्षेत्र की जनता से किसी भी काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस तरह के आरोप नेताओं पर लगते रहते हैं, लेकिन मैं इन सबसे दूर रहा। भारद्वाज ने कहा कि आपके आशीर्वाद से विधायक बनने के बाद भी मुझसे इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने जनता से सवाल किया कि आप 10 दिन पहले आए किसी प्रत्याशी को वोट दोगे या फिर उसे जो 5 साल से परिवार की चिंता किए बगैर आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहा। इस पर मौजूद लोगों ने पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम लिया। इस मीटिंग के बाद सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भारद्वाज वहाँ के मध्यम वर्ग पहुँचे।